हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है निष्का किचन में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं गैस के चूल्हे को जला लेती हूँ और कढ़ाई में रखती हूँ पानी गर्म होने के लिए। इसमें डालूंगी नमक और थोड़ा सा तेल डालूंगी। इसमें डालूंगी पास्ता उबलने के लिए। पास्ता हमारा उबल गया है, इसको एक थाली में छान के निकाल लेती हूँ और उधर रख देती हूँ टमाटर उबलने के लिए पतीले में। पास्ते में हम ठंडा पानी डाल देते हैं। और इधर हमारा टमाटर भी उबल गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इधर जो हमने सब्जियां धुली थी इनको हम टुकड़ों में काट लेते हैं। आज हम इटली का मशहूर पास्ता बनाएंगे, दो तरह का बनाएंगे हम। इधर हमने सब्जियों को टुकड़ों में काट लिया है। इधर हमारा टमाटर भी ठंडा हो गया है तो टमाटर के छिलके को उतार कर मिक्सर जार में रख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च के बीज डालेंगे और इसको हम टमाटर को पीस लेते हैं। गैस ऑन करने के बाद उस पर रखते हैं कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम मक्खन। मक्खन गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम कटा हुआ लहसुन, इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसको भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा भून लिया, इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और अब हम इसमें डालेंगे सिबा मसाले का लाल मिर्च कश्मीरी। इसमें डालेंगे हम सिबा मसाले का काली मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम आधा चम्मच चीनी और इसको हम खूब भूनेंगे। जो हमने टमाटर का जो पेस्ट बनाया है इसको एकदम हमें गाढ़ा करना है पकाकर। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम फूड कलर। और ये देखिए हमारा जो टमाटर का मिक्सर था वो गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए पास्ता। इसको हम इसमें मिला लेते हैं। इसमें हम डालते हैं चीज। इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और ये हमारा रेड सॉस पास्ता बनके तैयार है, इसको एक थाली में हम निकाल लेते हैं। अब चलते हैं व्हाइट सॉस पास्ता की तरफ। तो सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें रखेंगे मक्खन। मक्खन को अच्छे से हम पिघला लेंगे और इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं हल्का सा। और हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। इसमें हम डालते हैं शिमला मिर्च, बीन्स और कॉर्न। अपने मनपसंद की सब्जियां इसमें आप डाल सकते हैं। और इसको हम हल्का सा पका लेते हैं सब्जियों को। यहाँ
यहाँ पे डालेंगे हम नमक, काली मिर्च का पाउडर और इसको हम भून लेते हैं थोड़ी देर तक। सब्जियों को हमने आधा से ज़्यादा पका लिया, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब डालते हैं एक कढ़ाई में मक्खन, मक्खन को अच्छे से पिघला लेते हैं और मक्खन पिघलने के बाद इसमें डालेंगे हम मैदा। जितना हम मक्खन लेंगे उतना ही हमें मैदा लेना है। यहाँ पर हमने आधा कटोरी मैदा लिया है और उतना ही मक्खन लिया है। दोनों को अच्छे से मिलाकर भूनेंगे। हमने अच्छे से मैदे को भून लिया है हल्का ब्राउन तक। अब इसमें डालेंगे दूध। दूध डालते हुए इसको हम चलाते रहेंगे। इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक ये हमारा मिक्सर जो है क्रीम जैसा ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से एकदम हमारा मिक्सर जो अच्छे से मिल गया है, तो यहाँ पर डालेंगे हम नमक और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको हमें इतना पकाना है कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और ये हमारा गाढ़ा हो गया है एकदम दूध और मैदा मिलके। इसमें जो हमने सब्जियाँ भूनी थी वो डाल देंगे और ये उबला हुआ पास्ता डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से इसमें मिलाएंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च का बीज। इसमें हम डालेंगे पास्ता सीजनिंग। इसमें भी डालेंगे हम पास्ता सीजनिंग और इसमें डालेंगे हम चीज। ऐसे ही हम दोनों में डाल लेते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता और हमारा रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।